माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के व्यू मेन्यू के बारे में। इसे हम टेप के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं या कितने टेप होते हैं, तो आप बता सकते हैं कितने टेप होते हैं? बताइए। सात टेप होते हैं। अब सातों के नाम हमसे पूछे जा सकते हैं कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये आपकी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन बनता है। फॉर्मेट ऑप्शन तब आता है जब हम उसके जैसा कोई कार्य करें, जैसे कि कोई फोटो लेकर आ गए हम, तो फॉर्मेट ऑप्शन आता है, वरना नहीं आएगा। इसी तरह कोई टेबल आप बनाते हैं तो आपको लेआउट और डिजाइन वाले दो ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा जो दिखाई देते हैं वो कौन से दिखाई देते हैं? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, प्रेफरेंस, स्पेलिंग, रिव्यू, व्यू। अब हम बात कर रहे हैं व्यू के बारे में। व्यू टेब या व्यू मेन्यू के अंदर हमें कितने ग्रुप मिलते हैं आप जानते हैं? हर ग्रुप का नाम आपको पता होना चाहिए। पांच ग्रुप होते हैं इसके अंदर। हम कहें डॉक्यूमेंट व्यूज, शो एंड हाइड, जूम, विंडो, मैक्रो। अब यहाँ पे हम बात करें कि सबसे पहला जो ग्रुप हमें मिला है वह कौन सा है? डॉक्यूमेंट व्यू। इसका नाम डॉक्यूमेंट व्यू क्यों रखा गया है और इसके अंदर किस तरह के ऑप्शन हैं, आप बता सकते हैं? अभी जो हमने बोर्ड से नोट किया है, क्या आपको कुछ पढ़ा सर? जो इधर का जो ऑप्शन है सर, फोटो रेंडो, ये तो रेंडो का निकाल रहा हूं। नहीं, मैं बताता हूं आपको। जैसे कि यहां पर कुछ लिखा हुआ मैटर है, कहे कि यहाँ हमने कुछ लिख लिया, ये हमारा कर्सर आ गया है और हमने यहाँ पर लिखा और कुछ डाटा हमारे पास लिखा हुआ है, इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिससे कि हमारे पेज बढ़ जाए। और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करें हम, सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए बटन को दबाया जाता है। अब अगर हमें फॉन्ट की साइज बढ़ानी है, इसके लिए शॉर्टकट हमें कौन सा दबाना होगा? कंट्रोल के साथ में कर्ली ब्रैकेट को दबाना रहता है। ओपन कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट। फॉन्ट की साइज डिक्रीज की जा सकती है और इंक्रीज भी की जा सकती है। अब हम बात करें कि इस ऑप्शन के अंदर हम कुछ चीजों को हाइलाइटेड करते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिए, इनको मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी बटन दबाया जाए, ये हमने इन्हें बोल्ड कर दिया। अब इन टेक्स्ट को हम कुछ चेंजिंग देंगे। होम मेन्यू से हेडिंग वन और इन्हें हम हेडिंग टू के नाम से क्लिक करेंगे और इन्हें हम हेडिंग थ्री के नाम से क्लिक करेंगे। तीनों तरह की हेडिंग हमने दे दी। यहाँ पे कुछ फोटोज भी मैं लेकर आ सकता हूँ, जैसे हम फोटो लेकर आए, फोटो काफी बड़ा आया है हमारा, हमें इसे छोटा करना है। आप एक तरफ से पकड़ के छोटा करते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है। अगर हम इस तरीके से छोटा करते हैं तो अल्टर और शिफ्ट बटन को अगर हम प्रेस करके रखें और छोटा करें तो ये बहुत जल्दी छोटा हो जाएगा। देखिए कंट्रोल के साथ में शिफ्ट बटन से हम इसे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, काफी जल्दी है छोटा बड़ा हम कर पाएंगे। इसी का हम डुप्लीकेट बना लेते हैं, कॉपी करें, कहाँ पेस्ट करना है वो एरिया सिलेक्ट करें और पेस्ट कर दें। अब डुप्लीकेट हमने इसलिए बनाया है कि इसे हम चेंज कर सकते हैं। चेंज हम करेंगे राइट बटन क्लिक करके, चेंज पिक्चर से। यहाँ पर हम कोई दूसरा फोटो ले लें, जैसे मैंने ये फोटो लिया
ये चेंज हो गया। यहाँ पर भी हम पेस्ट कर लेते हैं वही फोटो, इसे भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आप पेज लेआउट ऑप्शन के द्वारा कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करनी हो तो आप यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये हमारे पेज को हमने डिजाइन कर लिया है, फॉर्मेटिंग कर ली है। अब हम देखते हैं व्यू ऑप्शन के कमांड्स के बारे में। सबसे पहला ग्रुप है डॉक्यूमेंट व्यू, जिससे कि हम हमारे डॉक्यूमेंट को या हमने जो पेज बनाया है, जो फाइल बनाई है, इसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अब अलग अलग तरीके कौन से होते हैं? पेज लेआउट। पेज लेआउट वह व्यू होता है जिसमें हम पेज को प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर एक मशीन होती है प्रिंटर, उसके माध्यम से अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो पेज लेआउट व्यू के अंदर जाकर आप उसे प्रिंट कर पाएंगे। अगर हम फुल स्क्रीन रीडिंग की बात करें तो यह ऑप्शन के द्वारा हम किताब की तरह हमारे डॉक्यूमेंट को पढ़ने जैसा बना सकते हैं। देखिए आप, किताब की तरह हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये व्यू इस तरह से काम करता है। अगला हम बात करें तो वेब लेआउट। इंटरनेट पर अपना पेज अगर अपलोड किया जाए या इंटरनेट की वेबसाइट के जैसे हमारे पेज को देखना चाहते हैं तो इस व्यू में देखेंगे। कंट्रोल के साथ में हम यहाँ पे स्क्रॉल बटन से बड़ा छोटा कर सकते हैं पेज को। काफी बड़ा हमारा पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारा पेज अगर हम इंटरनेट पे इसे अपलोड करें। आउटलाइन व्यू में आउटलाइन के आधार पे हर पैराग्राफ को अलग अलग यह बताता है, लेकिन हमारे जो फोटोज हैं वो फोटो यहाँ से गायब कर दिए गए हैं, फोटो इस व्यू के अंदर नहीं दिखाए जाते हैं। अगला ऑप्शन हम देखें, यहाँ पर एक और व्यू है ड्राफ्ट, जो कि आउटलाइन की तरह ही कार्य करता है। ये ड्राफ्ट में दिखाई देगा। ठीक, अधिकतर ऑफिस वर्क में हमें काम आती है पेज लेआउट व्यू, बाकी के ऑप्शनों में ज्यादातर काम नहीं आते हैं। तो डॉक्यूमेंट व्यू वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका समाप्त होता है। दूसरा टैब यहाँ आता है शो एंड हाइड। इस ग्रुप के अंदर हम देखें कुछ चीजें शो की जा सकती है, कुछ हाइड की जा सकती है। शो और हाइड का मतलब जानते हैं हम क्या होता है? शो मतलब दिखाना और हाइड मतलब छुपाना। तो यहाँ पे रूलर जो होता है, क्या आप रूलर से परिचित हैं? रूलर का मतलब होता है आपकी स्केल। यहाँ पर जो आपकी स्केल होती है वह स्केल दिखाई दे या उसे छुपाया जाए। ये स्केल क्या काम करती है? ये अपने पेज को नापने का काम करती है। कितना पेज आपका खड़ी साइज में है, कितना आड़ी साइज में है, कितने इंचेस खड़ा है, कितने इंचेस आड़ा है, यानी कि पेज की पूरी लंबाई और चौड़ाई को यह नापा जाता है। डॉक्यूमेंट मैप, इससे हम हमारे पेज को हेडिंग बाय हेडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया था, जैसे कि ये हमने एक हेडिंग बना दिया, इसे हम होम रो की सहायता से हेडिंग वन नाम देते हैं। और इजीली हम इस तरह से चेंज अगर करके रखें तो जो भी हेडिंग हम बनाएंगे वो हमारी हेडिंग यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और एक और ऑप्शन होता है व्यू के अंदर ग्रिड लाइन, यानी कि यहाँ पे आपको लाइनें दिखाई देगी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। हम पेज लेआउट से इसका कलर वाइट कर लेते हैं, ये इस तरह की लाइनें दिखाई देंगी। अब ये लाइनें हम छुपा सकते हैं यहीं से,
ठीक, और यहीं से दिखा सकते हैं। अगला ऑप्शन थंबल, अपना जो पूरा पेज है ये पूरा पेज एक साथ देखना हो तो हम साइड में हमें दिखाई देगा कि आपके पास कितने पेज है और पूरा पेज किस तरह से दिखाई दे रहा है, कौन सा फोटो कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अगला ऑप्शन है यहाँ पे मैसेज बार। मैसेज बार पहले से ही अप्लाई है, ओपन द मैसेज बार टू कंप्लीट एनी रिक्वायर्ड एक्शन और ऑन द डॉक्यूमेंट, यानी कि इस एक्शन को आपने पहले से ही कम्प्लीटली कार्य कर रहा है, पहले से ओपन है यह। ओपन का मतलब कहें अभी अभी हम इस माउस के पॉइंटर को यहाँ ले जा रहे हैं तो यह मैसेज दिखा रहा है, यहाँ ले जा रहे हैं तो मैसेज दिखा रहा है, बॉक्स जो लिखा हुआ इसी को मैसेज बार कहा जाता है। अगली बात करते हैं जूम वाला, हमारे सामने क्या आता है ग्रुप आता है, इस ग्रुप के अंदर हम पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जूम का मतलब तो जानते ही होंगे हम, पेज को बड़ा करना या छोटा करना। तो यहाँ अलग अलग साइज है, कहें जूम के अंदर हम जाए तो 75% की साइज में पेज दिखाई देगा, 200% की साइज में पेज दिखाई देगा, 100% की साइज में, तो हम हर तरह की साइज करके यहाँ पर देख सकते हैं पेज को। होल पेज पूरा पेज एक साथ आपका दिखाई देता है डिस्प्ले पर। वन पेज, होल पेज के अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है मेनी पेजेस, जिससे कि हम सारे के सारे पेज एक साथ देख सकते हैं। 100 पेज में अगर हम करें तो 100 की साइज 100% की साइज यहाँ दिखाई देगी जो कि नॉर्मल साइज रहती है। पूरे एक पेज को देखना है हम तो यहाँ से देख सकते हैं, एक साथ दो पेज को देखना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, और पेज विड्थ में अगर देखना है तो यह जूम हो जाता है और 100% से ऊपर की साइज का हो जाता है, कहें 150% की साइज का पेज हो जाता है अपना। तो ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आपको यहाँ पर समाप्त होता है। अगला आता है विंडोज। विंडोज के अंदर हमें क्या मिलता है, विंडो ग्रुप में हमें सबसे पहला ऑप्शन है न्यू विंडो। इससे क्या होगा, इसी डॉक्यूमेंट का जो करेंटली डॉक्यूमेंट हम चला रहे हैं इसी का एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। क्लिक किया, ये डुप्लीकेट बन, दो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गए हैं, एक और दो, डॉक्यूमेंट वन डॉक्यूमेंट टू। अब हम कहें कि इन दोनों डॉक्यूमेंट को हम अरेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को एक साथ देख सकते हैं इस तरह से, ये देखो ये भी है। ठीक, इसी को हम साइड बाय साइड कर सकते हैं, एक साइड इधर आ जाएगा एक साइड इधर आ जाएगा, दोनों को एक साथ हम स्क्रोलिंग कर पा रहे हैं। स्क्रोलिंग का मतलब दोनों एक साथ घूम रहे हैं, जो कि विंडोज वाले ऑप्शन में यहाँ से ये बटन चालू है स्क्रोलिंग वाला, इससे हम स्क्रोलिंग बंद भी कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिसेट विंडो पोजीशन, इनकी पोजीशन रिसेट कर दी जाती है अपने अपने आधार पर। अगर हम कहें साइड बाई साइड खत्म करना है हमें तो यहाँ से साइड बाई साइड खत्म हो जाएगा, फिर साइड बाई साइड चलाना है तो ये चल जाएगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पर स्विच विंडो, हमें दिखाएगा कितनी विंडो आपने ओपन कर रखी है, एक दो, दूसरे पे जाना है दूसरे पे आ गए, स्क्रोलिंग वाला ऑप्शन हम यहाँ पे समाप्त कर दें। ठीक है, रहेगा याद यह एक विंडो को हम यहाँ, एक और ऑप्शन हमारा रहता है जिसे स्लिप्ट करना, यानी कि इस एक विंडो को बीच में से काट देना है, जैसे ऊपर भी विंडो दिखाई देगी नीचे भी उसी विंडो को हम देख सकते हैं, रिमूव स्लिप्ट करेंगे रिमूव हो जाएगी। ठीक है, रहेगा यार ये सर। लास्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर रहता है मैक्रो। मैक्रो का कार्य है रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्डिंग करने का कार्य होता है मैक्रो के अंदर। यह टेप हम जब भी करें स्टार्ट, इसके अंदर रिकॉर्डिंग का कार्य हम करें। चला।
यहाँ पे मैक्रो ऑप्शन है सबसे लास्ट वाला। इस मैक्रो ऑप्शन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड किस तरह का कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया भी है, कभी भी हम किसी ऑफिस में काम करते हों या किसी कंपनी में काम कर रहे हो किसी भी तरह का, और एक ही तरह की चीज हमें बार बार लिखनी पड़ रही है। जैसे ऑफिस के अंदर क्या होता है, एड्रेस हुआ या ऑफिस का एड्रेस हुआ या कंपनी का नाम हुआ, ये चीजें ऐसी रहती है जो हमें बार बार लिखनी पड़ती है किसी भी कार्य पर या किसी भी फाइल के अंदर। तो हम उस नाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड करने के बाद में रिकॉर्डिंग के यहाँ पे दो तरीके मिलते हैं आपको। एक तो आप डायरेक्टली नाम के आधार पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक रहता है जिसे हम शॉर्टकट की बना सकते हैं। जैसे हमने बोल्ड बनाने के लिए कंट्रोल बी करते हैं, ऐसे ही उसका भी कोई शॉर्टकट नाम हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि हम नाम के द्वारा कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे नीचे नीचे पेज पे हम चलते हैं। एक नया पेज हमें यहाँ पर लेना है। नया पेज लेने के लिए हम कौन सा बटन दबाते हैं, पता है आपको शॉर्टकट की? नहीं पता है तो कंट्रोल के साथ में इंटर बटन अगर दबाया जाए तो एक नया पेज ब्लैंक पेज आ जाता है। कंट्रोल इंटर, ये देखिए नया पेज आ चुका है। अब नया पेज आने के बाद हम क्या करें, मैक्रो पर चले हैं और व्यू मैक्रो ऑप्शन हमें दिखा रहा है, यानी कि आपने कभी पहले भी रिकॉर्ड किया है मैक्रो उसे आप देख सकते हैं, रन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है जिसे कि हम करेंटली अभी रिकॉर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमें अभी हाइड दिखा रहा है, छिपा रखा है। तो क्यों छिपा रखा है, क्योंकि उसके जैसा अभी कार्य है ही नहीं यहाँ पर। अगर उसका कार्य आता है तो वह ओपन हो जाएगा। हमें अभी क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अभी हमसे पूछा जा रहा है कि आपका टर्म्स क्या है या आपकी कंडीशन क्या अप्लाई करना चाहते हैं आप क्या नाम के द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं, शॉर्टकट बटन बनाना चाहते हैं। पहले हम नाम के द्वारा सीखेंगे। नाम के द्वारा यहाँ पे मैक्रो 11 लिखा हुआ आ रहा है, इससे चाहे तो इसे ही हम ओके करके रख सकते हैं, या अपना नाम भी हम लिख सकते हैं, या हम कोई भी अलग प्रकार का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि कंपनी नेम ओके करेंगे। इस तरह का नाम यह बताया जा रहा है कंप्यूटर के द्वारा कि एक इनवैलिड नाम है, आप इसमें स्पेस नहीं लगा सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन है। नाम सही देने की बात हमसे भूली जा रही है कि आप सही नाम दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ कंपनी लिख दे रहे हैं। हमने पहले क्या कर दिया था, बीच में स्पेस दे दिया था, जो कि यह वैलिड नहीं बताता है। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा माउस का जो पॉइंटर है वो एक कैसेट जो होती थी पहले उसके जैसा बन गया है। अब हम यहाँ जो भी लिखेंगे वो रिकॉर्ड होगा। जैसा कि कैप्स लॉक ऑन किया मैंने, हम लिखें ये हमने रिकॉर्ड किया। अब अगर हम देखें मैक्रो पर जाकर तो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसा कि पॉज रिकॉर्डिंग, पहले क्या बता रहा था हाइड, और अब बता रहा है अनहाइड, शो कर रहा है उसे। तो यह क्यों आया है आप जानते हैं इसके बारे में? इस ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पॉज कहीं देखा है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा है ना हमने, कहाँ देखा है बताइए। पॉज ऑप्शन कहाँ पर देखा है, ये मेरा आपसे सवाल है। आप गाने सुनते हैं तब आपने देखा है ना, मोबाइल में हमें कुछ समय के लिए गाने को रोकना है तो हम पॉज करके रोक सकते हैं,
और इसकी जगह पर हम कहें कि अभी के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं। कंपनी का नाम हो सकता है छोटा हो या बड़ा भी हो सकता है, आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो एक पेज का भी हो सकता है, एक लाइन का भी हो सकता है। तो आप थोड़ी देर के लिए रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं, जिससे कि हम पॉज कर दिया। ठीक, अभी आपको दिखाई दे रहा है रिज्यूम रिकॉर्ड। तो यहाँ पर अपने थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, जितना आप चाहें। और उसके बाद आप वापस कंप्यूटर को टाइपिंग करना चाहते हैं कंप्यूटर, तो आप वापस से क्लिक करें इसे। अब हम वापस से रिकॉर्डिंग करना चालू कर दें। जैसे हम यहाँ लिखें आगर मालवा हमने लिखा, अब हमारा कार्य अगर पूरा हो गया हो तो हम यहाँ जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टॉप किया, आपका जो मैक्रो है वह रिकॉर्ड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसी नाम को दोबारा से टाइप करना है। तो हम एंटर करते हैं, कहाँ किस जगह पे टाइप करना है। नीचे मैंने करंटली पोजीशन दे दिया है कर्सर का, वहां पर हमें टाइप करना है। तो हम हमेशा टाइप करने नहीं बैठेंगे, हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया है तो हम वहां से इसे रन कर सकते हैं। जाएंगे मैक्रो वाले ऑप्शन में, व्यू मैक्रो, किस नाम से किया था हमने कंपनी, और रन, ये आ गया। एक बार नहीं, दस बार नहीं, सौ बार आप इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, चाहे जितनी बार। एक तो तरीका हमने सीख लिया, अगला तरीका हम सीखते हैं। अगला तरीका है यहाँ पर रिकॉर्ड करने का कीबोर्ड के माध्यम से शॉर्टकट की बनाना। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कस्टमाइज कीबोर्ड वाली विंडो ओपन होकर आई है। यहाँ हमें जो कर्सर करंट पोजीशन में दिखाई दे रहा है किस डिब्बे में है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की। यहाँ पर इस डिब्बे के अंदर हम एक शॉर्टकट की बना सकते हैं। ऐसा शॉर्टकट की बनाना है जो अभी तक कंप्यूटर में उपयोग में नहीं आया गया। जैसे कि कंट्रोल के साथ में मैंने यहाँ पे दबाया 3 बटन, ठीक, और असाइन किया तो यहाँ करंट की के ऑप्शन में आ गया है। इसे क्लोज करेंगे, वही रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन हमारा चालू हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स, और भी आप चाहे बहुत कुछ लिख सकते हैं। पॉज करना मैंने आपको बता ही दिया है, स्टॉप रिकॉर्डिंग हम करें, यह हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक डाटा, अब हमें यहाँ पर रन करना है। क्या बनाया था हमने, कंट्रोल, ठीक, कंट्रोल के साथ में 3 बटन को दबाया, रन हो गया। आप जितनी बार दबाएंगे उतनी बार रन यह हो जाएगा। ओके, समझ गए, यहाँ पर आपका मैक्रो ऑप्शन समाप्त होता है।